शावेज से डिवोर्स कर ले रही हो? अच्छा, कोई रुकावट? शावेज तंग कर रहा है मुझे, और फरियाल भी ये बात जानती है। वो कोई और नहीं, दानियाल की पहली बीवी सानिया है। क्या कहा आप? सानिया मैडम, एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए, आज मैं यहाँ आई हूँ खुद उसके लिए, और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। अधूरे हो तुम, अधूरे बेटा, अब तो लोगों ने भी पूछ पूछ कर नाक में दम कर दिया मेरा। क्या पूछ रहे हैं आपसे लोग? हैं अम्मा? तेरे बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। कितना अरसा हो गया तेरी शादी को, लेकिन अब तक मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे तेरे बच्चे के। अम्मा, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी बोल बोल के ना अब तो रोक नहीं सकती मुझे। अब तो मेरे पास ठोस वजह आ गई है अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की। ठोस वजह? लेकिन क्या अम्मा? तेरी बीवी बांझ है। मान ले इस बात को शफीक, वरना इतना अरसा हो गया इसकी शादी को, अब तक कोई खुशी की खबर नहीं सुनाई। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो गया है। तो मान ले मेरी बात और कर ले सबिया से शादी। अम्मा, ये सब आप कैसे कह सकती हैं? आपको बैठे बिठाए इल्हाम हो रहे हैं? या आप कोई डॉक्टर हैं? आप कोई हकीम हैं? बैठे बिठाए ये ख्याल नहीं आया मुझे, बहुत दिनों से तेरी चाल ढाल देख रही हूँ मैं। भूती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। बुशरा बेगम नाम है मेरा, कोई मजाक नहीं है। शफीक, शफीक, अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है ना, तो लेके चले मुझे डॉक्टर के पास, करवा ले टेस्ट आप मेरे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अरे अरे, दफा करो इन डॉक्टरों को, टेस्ट पे टेस्ट करवाते रहेंगे और पैसे बनवाते रहेंगे। पैसे के दरख्तों पे उगते हैं जो डॉक्टरों को और लेबोरेटरी वालों को देते रहे हम। जब मैंने कह दिया तू बांझ है तो बांझ है, बस अब बहस खत्म। राशिदा, राशिदा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। प्लीज राशिदा। अब इसको देखता रहेगा ना तो जिंदगी भर तू भी रोएगा। चल आके बैठ यहाँ पर और टांग दबा मेरी दूसरी। राशिदा, रोना बंद करो ना। राशिदा, कब तक रोते रहोगे? ये लो पानी पियो। राशिदा, इस पानी की जगह ना दो घूंट जहर दे दे मुझे, ताकि सारा फसाद ही खत्म हो जाए। जानती हो ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे करने जा रहे ना अपनी अम्मा के कहने पे, उसके बाद भी मैं जिंदा नहीं बचूंगी, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप खुद ही मुझे मार दें? आपके साथ जिंदगी तो नहीं गुजार सकी, आपके हाथों मौत तो मिल जाएगी ना मुझे। मैं
बहुत मजबूर हो गया हूं राशिदा। दो कश्तियों का सवार, अब तो लगता है कि मैं किसी वक्त भी डूब जाऊंगा। और अगर मैं तुम्हारे आंसुओं से बचकर निकल भी गया तो मां की बद्दुआओं के समंदर में डूबकर मर जाऊंगा। आप इतने कमजोर तो कभी भी ना थे शफीक। कमजोर? हाँ, नहीं था, लेकिन अब हो गया। देखो ना, अगर मां का दिल तोड़ता हूं तो हाथ से जन्नत जाती दिखाई देती है। और अगर तुम्हारे दिल का खून करता हूं तो अल्लाह की पकड़ में आता। क्या करूं क्या ना करूं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शफीक, मैंने आपसे टूट के मोहब्बत की, अब मैं जानती हूं मोहब्बत में इंसान को बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। और मैं आपको इस तरह टूटा हुआ और परेशान नहीं देख सकती। शफीक, आप अम्मा की बात मान लें, अम्मा राजी हो जाएं तो रब राजी, मेरा क्या है, मैं गुजार लूंगी अपनी जिंदगी। आप जैसे रखेंगे, जहां रखेंगे, जिस तरह रखेंगे, मैं रह लूंगी आपके साथ। राजदा, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूं मैं, कर ले आप सभी ऐसी शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। और तुम भी बहुत अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हारे खिलाफ धोखे और फ्रॉड का केस फाइल करूंगी। और तुम क्या समझते हो मैं दानियाल के पास जाने के लिए इतना मरे जा रही हूं कि सब कुछ तुम्हें बख्श दूं? हेलो दानियाल, मैं शाहवेज बात कर रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं तुमसे। फरियाल ने वापस जाने का फैसला सोच समझ कर लिया। जी, वो कोई और फैसला भी कैसे कर सकती थी। शामिक जिस मोहब्बत और मान से उसको लेने आया था, उसे जाना ही पड़ा। अल्लाह करे ये मोहब्बत दानियाल को भी महसूस हो जाए। फरियाल की पाकीजगी उसको अपने फैसला वापस लेने पे मजबूर। फरियाल का अपना घर आबाद हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप फिक्र नहीं करें। जुग जुग जिए मेरा बच्चा,
तूने मेरा मान रखकर, मेरी बात मानकर मुझे नई जिंदगी दी है। मैं इतनी खुश हूँ कि तू सोच भी नहीं सकता। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा आपको, अल्लाह आपकी खुशी हमेशा सलामत रखे। अम्मा आपकी बात तो मैंने मान ली, लेकिन मेरी भी आप एक बात याद रखिएगा कि राशिदा की अहमियत ना ही इस घर से कम होगी ना ही मेरी जिंदगी से। और तू वहां क्यों बैठी है इतनी दूर? आ आके मेरे पास बैठ, आ जल्दी से। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? सत्या ना सो इसका, इसे भी इसी वक्त उल्टी आनी थी। सारी तदबीरें मेरी उलट करके चली गई, पता नहीं क्या होगा। देखो दानियाल, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। किसानिया अपना ऑफिस, अपना करियर, ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के पास आना चाहती है। अगर ऐसा होता तो कब का उसे तलाक दे चुका। मतलब ये कि सानिया को अपना ऑफिस, अपना करियर तुमसे और तुम्हारे बच्चे से ज्यादा अजीज है। तुम्हारे पास तो वो सिर्फ जिद में आना चाहती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकती है। उसे तुमसे या तुम्हारे बच्चे से कोई लगाव नहीं। मैंने तो सानिया से बहुत पहले कह दिया कि अपना सारा बिजनेस मेरे नाम कर दो और तुम्हें जहां जाना चली जाओ, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। तुम्हारे और तुम्हारी भोली भाली मासूम बीवी के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हूं। दानियाल तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीवी के एक्स मंगेतर को अपने ऑफिस में जॉब दे और तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए उस आदमी को इस्तेमाल करती रही, बल्कि अभी तक इस्तेमाल कर रही। तुम इतना हैरान क्यों हो? धोखा तो तुम्हें पहले भी दे चुका मुझसे शादी करके। पता है मुझे तुम पे आज बहुत तरस आ रहा। पता नहीं तुम कैसे उस औरत के जाल में दोबारा से फंस गए। वैसे तुम्हें एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, तुम्हारी बीवी बहुत ही एक मासूम और नेक औरत है, उसकी कदर करो। सानिया को पाके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, वो ना किसी की थी और ना किसी की होगी। सारी कसमें सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में छोड़ कर तू चला। क्या ये थी मेरी खता? शांति के घर गई थी तुम? तुझे प्यार। हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि मुझे शांति के घर जा। बच्चे के जज्बात से खेल रहे हो। प्लीज तुम चली जाओ, मैं समझा लूंगा उसको। अगर आप समझा सकते होते और वो समझ जाता तो वो मेरे पास ना आता। एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए, आज मैं यहां आई हूं खुद उसके लिए। और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? पता नहीं अम्मा, वॉमिटिंग हो रही है, तबीयत खराब हो गई उसकी। बहू क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं अम्मा, मुझे लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया। कल से पेट में बहुत दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं, तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। हाँ ये फूड पॉइजन ही है। अरे मेरे पास एक दवा पड़ी है,
मैं अभी लाके देती हूँ तुझे, मिनटों में ठीक हो जाएगी तू। नहीं नहीं अम्मा रहने दे, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ ना। अरे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, मैं कह रही हूँ ना ठीक हो जाएगी तो। जब मैं कह रहा हूँ अम्मा की जरूरत है तो जरूरत है, चलो तुम डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो 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 चलो। सत्या ना सो, इसी वक्त उल्टी आनी थी, सारी बना बनाया गेम बिगाड़ दिया मेरा, सब तदबीरें लट हो गई, पता नहीं मनुज कौन सी खबर लेकर आएगी मेरे लिए। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, शामक को उठा दो और दानियाल को भी बता दो कि नाश्ता लग गया है। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूं। कुछ ही दिनों में सानिया वापस आ जाएगी और जब वो यहां पे आके रहेगी तो शाम को उसके साथ खुद ही मानूस हो जाएगा। मैंने बात कर ली अपने वकील से, तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, फिर तुम करती रहना उस जुनेद से शादी। आप मुझसे अपनी बात कीजिए, अपनी और सानिया की शादी की, उसके बाद मैंने क्या करना है उसकी फिक्र आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत जुल्म किया तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादती की, जो तुम्हारे और जुनेद के बीच में आ गया, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं खुद को तुमसे अलग कर लूंगा ताकि तुम अपनी मोहब्बत को पा सको। दानियाल मुझे जो मोहब्बत मिली है ना वो इस दुनिया की सारी मोहब्बतों से हकीर है। मुझे शामक ने माँ समझाए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। शामक मैं आपकी मामा, मैं वापस आ गई हूँ, आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। मैं आपकी मामा, ये आपकी मामा नहीं है, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। शामक आप जाए यहाँ से, आप मेरी मामा नहीं है, मेरे मामा आपसे फरियाद है। मैं आपकी मामा नहीं हूँ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा शफीक, डॉक्टर ने जो कहा है क्या वो सच है? सच है राशिदा, बिल्कुल सच है। थैंक यू सो मच राशिदा, तुमने आज जो मुझे खुशी दी है ना, मैं आज तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया मेरा नहीं, अल्लाह का अदा करें, मेरा तो रुआ रुआ उसका शुक्र गुजार है। आज मुझे उसकी जात पर कामिल यकीन हो गया, बेशक वो अपने बंदों पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। बेशक ऐसा ही है, मैं तो शुक्राने की नफल भी अदा करूंगा और हाँ कल सदका भी देंगे, ठीक है? जी ठीक है। अम्मा, अम्मा को क्या बोलेंगे आप अगर वो अब भी अपनी बात पे अड़ी रही तो? तब की तब देखेंगे, तुम परेशान मत, डॉक्टर ने क्या कहा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ राशिदा, जो कुछ मैंने किया या अम्मा ने, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, गलत फहमियाँ या नहीं शफीक, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है,
मेरा दिल आपकी और अम्मा की तरफ से बिल्कुल साफ है। मैं तो भूल ही गया यार, वो मेडिसिन लेके आनी थी तुम्हारे लिए। मैं भी लेके आ रहा हूँ और जूस भी लेके आता हूँ। डॉक्टर ने कहा था ना कि माँ का और बच्चे का ख्याल रखना, और हाँ कोई काम ना करना। लेकिन मैंने आप पे एतमाद करके जुनैद को जॉब दी थी। आपने और जुनैद दोनों ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। सर प्लीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है सर। लेकिन जिसका कसूर है वो भी तो आपका रिश्तेदार है। सर मैंने जुनैद से बात की थी, समझाया था उससे कि मैडम के साथ I mean कि उसका रिश्ता तय हो गया है, उसकी शादी हो रही है मेरी कजन के साथ, और मेरे यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ दिनों में शादी का कार्ड भी मिल जाएगा आपको सर। जुनैद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी फरियाद, मुझे बिना पूछे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर बात ही कुछ इस तरह की थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्यों? फरियाद, I'm really sorry। किस चीज की माफी? मैडम सना मुझे हमेशा इस्तेमाल करती रही, वो चाहती थी कि मैं तुम्हें दानियाल से दूर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ दानियाल के करीब आने के लिए, और तुम्हें दानियाल से दूर करने के लिए मुझे इस्तेमाल करती रही। मैं नहीं जानता था ये सब कुछ, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने मम्मी के बताए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, और फरियाल मैं जानता हूँ तुम बहुत खुश हो, और मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। सच कहा तुमने जुनैद, अब मुझे किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। जुनैद, वो मैं फरियाल से जानता हूँ, मैं माफी मांगने आया था। फरियाल आपसे बहुत प्यार करती है, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कभी फरियाल की मोहब्बत पे शक मत कीजिएगा, बहुत प्यार करती है आपसे। मैडम क्या यह सच नहीं है कि आपने दानियाल को फरियाल से बदजन करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया? असल में आप मुझे और फरियाल को नहीं बल्कि अपनी खोई हुई मोहब्बत को पाना चाहती थी, चाहे इसके लिए किसी का घर ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। और दानियाल सर किसी और औरत के चक्कर में नहीं थे, बल्कि वो दूसरी औरत तो आप खुद थी।
मैडम एक बात याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों से खेलते खेलते आप सारे रिश्ते ना। बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। शामक का कल स्कूल है, मुझे उसका यूनिफॉर्म तैयार करना है। देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ सिर्फ शामक के लिए रुकी हुई हो, लेकिन क्या तुम सब कुछ माफ करके फिर से अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगह नहीं दे सकती? आपको क्या लगता है, आप मुझ पर शक करते रहेंगे और मैं अपने दिल में आपकी मोहब्बत रखूंगी? क्या तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत बिल्कुल नहीं है? मुझे अब सिर्फ शामा की मोहब्बत की जरूरत है। मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी का इंतजार है फरियाद। क्या लगता है मैं मशीन हूं, इंसान नहीं हूं कि जब चाहा आप मुझसे अपनी गलती की माफी मांगेंगे और मैं आपको माफ कर दूंगी? मैं जानता हूं कि मैं भी तो इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन अजीम लोग वो होते हैं जो कि दूसरों को माफ करने का हौसला रखते हैं। मैं अजीम नहीं हूं। तुम हो अजीम। तभी तो तुम मेरे बेटे के पास हो। वो मेरा बेटा है, वो हमारा बेटा है। अरे अम्मा आप क्यों जा रही हैं? ये आपका अपना घर है। ये मेरा नहीं तेरा घर है, तू रहे यहाँ खुशी से। मैं चली जाऊंगी हैदराबाद अपनी बहन और भांजी के पास। शुक्र है शफीक आप आ गए। अब आप खुद ही समझाएं अम्मा को, जा रही हैं हैदराबाद। अम्मा ये कहाँ जाने की तैयारी कर ली एकदम? एकदम से नहीं, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। जिस घर में मेरी कोई वक्त ही नहीं है मैं वहां क्यों रहूं भला? दोनों मियां बीवी पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं है मुझे। जिस घर में मेरी सबिया नहीं आ सकती उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। तो किसने रोका है अम्मा यहाँ आने से उसे? ये उसकी खाला का घर है, मैं उसका खाला जात भाई हूँ। यहाँ आए बहन बनकर सर आंखों पर। समझदार है, दुनिया देख रखी है आपने और आप अच्छी तरह जानती हैं कि पत्थर भी अपनी जगह पर पड़ा हो तो ही भारी होता है, लेकिन जब वो अपनी जगह छोड़ देता है ना तो लोगों की ठोकरों में आ जाता है। तो कहना क्या चाहता है? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं अम्मा। खैर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप दादी बनने वाली हैं। देखे ना अम्मा, हम जिन महरूमियों से गुजर रहे थे अल्लाह की पाक जात ने सब दूर कर दी। अब दूसरी शादी का जवाब तो
खत्म हो गया। रही बात आपकी भांजी की और आपकी खुशियों की, तो उसके लिए मैं अपने आने वाले बच्चे और इसकी अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकता। मैं मेरी जगह पर आप खुद को रख के सोचे ना, मां और बाप बनकर पाला है आपने मुझे, अकलौता बेटा हूं मैं आपका, अकलौता बेटा हूं। बचपन से लेके आज तक जो चीज मैंने चाही आपने पूरी की। हमारा है ही कौन अम्मा सिवाय इसके और हमारे आने वाले बच्चे के। प्लीज अम्मा कहीं मत जाए ना छोड़ के, ये आपकी जिद मुझे मार डालेगी। खुदा के लिए प्लीज अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों का गला मत घोंटे आप, प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने बताया कि बेटा है या बेटी? अम्मा और अम्मा मैं खूबसूरत लग रही हूँ। बस वो शामक ने कहा तो चले। हाँ लेकिन एक मिनट, तुम्हारे लिए एक चीज है मेरे पास। हाँ देखो लेकिन ये तो आपकी बीवी की है ना? तुम मेरी बीवी ही तो हो। अम्मी जान, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या वाकई? जी आप लोग जहां चाहें मेरी शादी कर सकते हैं।
भाई क्या वाकई आप सच बोल रहे हैं ना? अब तो मैं फौरन जाकर एनी के घर वालों से उसका हाथ मांगूंगी। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। देखा जिस बात का तुम्हें इतना इंतजार था आज भाई ने बोल दी। I'm so happy. पहले हम डिनर पे जाएंगे उसके बाद हम प्ले पे जाएंगे। तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो दानिया? सानिया ये बीवी है मेरी, मेरे बच्चे की माँ है। इसके बारे में इस तरह बात करने वाली तुम कौन थी? दानियाल मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, सब कुछ। मैंने शावेज को छोड़ दिया, अपना घर, अपना बिजनेस सब छोड़ कर आई हूँ तुम्हारे पास। नहीं सानिया, तुम कुछ नहीं छोड़ सकती। तुम रिश्तों को छोड़ सकती हो, इंसानों को छोड़ सकती हो, लेकिन रुपया, पैसा, दौलत दुनिया नहीं छोड़ सकती। सब जान चुका हूं मैं। अनिल तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे, सिर्फ तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है मुझे। शाहरुख मैं आपकी मामा, मैं वापस आ गई हूं। आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। मैं आपकी मामा, ये आपकी मामा नहीं है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी श्यामा। आप जाएं यहाँ से, आप मेरी मामा नहीं है। मेरे मामा आपसे फरियाद है। मैं आपकी मामा नहीं। पापा अब चले। दानियाल प्लीज, दानियाल प्लीज, मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। बस कर दो। दानियाल प्लीज, मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज मुझे एक मौका और। सारी कसमें, सारे वादे।